नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आई रुक करते हैं इस रफ्तार की ओर। विदिशा में मशाल जुलूस निकाला गया है। जुलूस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना का किया विरोध। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। पना में छात्राओं ने निकाला पैदल मार्च। कोलकाता महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध। दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। छात्राओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भिंड में चलाया जा रहा सर्चिंग ऑपरेशन। ग्राम कंचुगरा में कुआरी नदी में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम युवक को बचाने पहुंची थी। एसडीआरएफ टीम के सदस्य लापता है। बड़वा में वन विभाग ने की कार्रवाई। अवैध लकड़ी से भरे ट्रैक्टर को पकड़ा। वहीं ट्रैक्टर में भरी थी नीम और चिरोल की लकड़ी। सेमरला नाले के पास में गश्त के दौरान हुई कार्रवाई। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में पहुंचे महंत बालकनाथ योगी। महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। गर्भगृह में पहुंचकर पूजन अर्चन किया। लोक कल्याण की कामना की। इंदौर में 2 साल के भीतर शिफ्ट होगा गुरु नानक टिम्बर मार्केट। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने दी जानकारी। लंबे समय से शहर के बाहर शिफ्ट करने की कवायद चल रही थी। अशोकनगर में आरटीई को फीस पाने के लिए भटक रहे निजी स्कूल संचालक। निजी विद्यालयों के साथ ही भेदभाव का लगाया आरोप। निजी स्कूल संचालक पहुंचे कलेक्टर। डीपीसी के खाते में राशि आ जाने के बावजूद भी भुगतान नहीं। विदिशा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आए सामने। झोला छाप डॉक्टरों पर नहीं होती कार्रवाई। प्रदेश सरकार चला रही झोला छाप डॉक्टरों के लिए मुहिम। इस मामले में कलेक्टर ने सीएमएचओ को दिए निर्देश। पुनासा में पश्चिम बंगाल में पिंड डॉक्टर की हत्या का विरोध। अखिल भारत हिंदू महासभा ने दिया ज्ञापन। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। दमोह में भैंसे चराने गया चरवाहा खदान के पानी में डूबा। सीमेंट फैक्ट्री की खदान में हुआ हादसा। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। छिंदवाड़ा में यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। रॉन्ग साइड चलने वालों के काटे चालान। यातायात विभाग हुआ कार्रवाई में सख्त। दर्जनों ऑटो पर हुई कार्रवाई। उज्जैन में भोपाल में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। पार्षद इमरान खान और कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। वाटर कैनन प्रेशर से नीचे गिरे कार्यकर्ता। बालाघाट जिला अस्पताल में लगवाए गए 2 वाटर कूलर। वैद्य एवं चौरड़िया परिवार ने की समाज सेवा। महावीर इंटरनेशनल के बैनर तले लगा वाटर कूलर। मरीजों को फल एवं प्रसाद वितरण। बालाघाट में झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई। प्रशासन ने डॉक्टर क्लिनिक सील किया। 8 वर्षों से चला रहे थे फर्जी क्लिनिक। दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। इंदौर में मध्य प्रदेश में भी सभी अस्पतालों में दवाई हुई बैन। यह ड्रग नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की पाई गई। ये सभी इंजेक्शन है। 9 ड्रग के बड़े लॉट को प्रतिबंधित किया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी चलाएगी सदस्यता अभियान। पार्टी ने नेताओं को दिया लक्ष्य। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता को अभियान का प्रभारी बनाया गया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अभियान की जानकारी दी। मंदसौर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान। 2000 पौधे लगाए गए। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हुए शामिल। विधायक हरदीप सिंह डंग भी रहे मौजूद। भोपाल में डनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस का भोपाल में प्रदर्शन। कांग्रेस जेसीपी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग कर रही। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद। घटिया में बंजारा समाज ने दिया धरना। पुलिस थाना घटिया तक निकाली रैली। एसपी के नाम दिया ज्ञापन। भैरूगढ़ में हुई घटना को लेकर जताई नाराजगी। भोपाल में कांग्रेस देशभर में ईडी कार्यालय का घेराव कर रही। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने इसे कांग्रेस का एजेंडा बताया। आशीष अग्रवाल ने कहा कांग्रेस के नेता खुद एक नहीं। कसरावत में खामखेड़ा में होगा पितृ पर्वत पर पौधारोपण। 1 सितंबर को ग्राम की पहाड़ी पर लगेंगे पौधे। अखिल विश्व गायत्री परिवार लगाएगा 550 पौधे। पूर्वजों की स्मृति में पितृ पर्वत पर होगा पौधारोपण। राजधानी में कांग्रेस विधायक ने दिया विवादित बयान। फूलसी बरिया ने पार्टी के ही नेताओं को घेरा। विधायक ने कहा कांग्रेस अभी भी एकजुट नहीं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। ठगी करने वाले जालसाजों को गिरफ्तार किया। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का लालच लेकर करते थे ठगी। आरोपियों ने लाखों की धोखाधड़ी की। इंदौर शहर बना अवैध मादक पदार्थ का हब। नारकोटिक्स विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से जब्त एमडी की कीमत लगभग 6 लाख रुपए। वैसदेही में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन रही मूर्तियां। प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश प्रतिमा जब्त। नगर परिषद सीएमओ ने की कार्रवाई। आगामी गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन सख्त। उमरिया में स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने दिया ज्ञापन। श्रमिकों को मूलभूत सुविधा देने की मांग। प्रदेश सचिव विनोद भट्ट की उपस्थिति में दिया ज्ञापन। स्थायी कर्मी एवं सुरक्षा श्रमिकों के हितों की मांग। फिलहाल इस रफ्तार में इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए इस भारत के साथ।